नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने मीसा बंदियों को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। दरअसल आज सीएम विष्णुदेव साय ने विधानसभा में मीसा बंदियों की पेंशन को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा राज्य के दुग्ध व्यवसायियों के लिए मिल्क रूट और चिलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। हाँ, तो इमरजेंसी के समय जितने जो गैर कांग्रेसी लीडर थे सब को जेल हो गया था। 19-19 महीना तक जेल में रहे, जिसके कारण उनका परिवार बर्बाद हो गया। किसी किसी परिवार में तो मतलब खाने के लिए लाले पड़ गए। ऐसे कई परिवार को हम जानते हैं। और जब हम लोग की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, तो उनको एक सम्मान निधि मतलब देने का प्रारंभ किए थे, जो पिछली सरकार में बंद हो गई थी वो राशि, उसको फिर से अब उनको देंगे, चालू करेंगे। मंगलवार को विधानसभा का 16वां दिन हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तनातनी देखने को मिली, तो विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। इसी कड़ी में सदन में महिला बाल विकास विभाग से सवाल पूछे गए। सवाल भाजपा की महिला सदस्य भावना बोहरा ने किया, जबकि सवाल मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी दिया। हालांकि भावना के सवालों पर मंत्री राजवाड़े कुछ देर के लिए असहज नजर आए। इस बीच स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने मोर्चा संभाला और सदस्य को और अधिक सवाल करने से रोका। परियोजनों को समझाने के लिए शिक्षा का मापदंड क्या तय किया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए? कार्यकर्ताओं के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वैसे आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता के लिए 12वीं क्लास, और अगर उस गांव में 12वीं क्लास के कोई महिला नहीं है तो फिर 10वीं क्लास तक की महिलाओं को भी लिया जाता है। चलिए, 12वीं या 10वीं। मोदी जी, इसमें मेरा प्रश्न ये कि लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या जो कम होती जा रही है, तो क्या वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा जो केंद्र संचालित हैं उसके अलावा भी उनकी रिपोर्टिंग परियोजना अधिकारी के अलावा क्या हायर अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है? क्योंकि जैसे आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, वो काफी चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उनका कहना जायज है और मैं मानती हूँ कि जहाँ तक हम 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है, और कहीं ना कहीं अच्छा ये बता दें कि पिछले बार जो वहाँ की रिपोर्ट आई थी वो आपके अधिकारियों ने, आपके विभाग के द्वारा, हायर जो अथॉरिटी उनके द्वारा पिछला जो रिपोर्ट है आंगनबाड़ी केंद्रों का जो छत्तीसगढ़ में संचालित है, पिछली बार कब लिया गया था जानकारी? एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जी का रिपोर्ट कब लिया गया था, क्या सवाल में क्या था? आंगनबाड़ी केंद्र जितने भी छत्तीसगढ़ में संचालित हैं उनकी जो रिपोर्ट है बच्चों की, चाहे वो कुपोषण से संबंधित हो, आहार से संबंधित हो, उनके डेवलपमेंट से संबंधित हो, या प्रोटीन आहार देने के विषय में हो, पिछले बार परियोजना अधिकारी के अलावा क्या छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, संबंधित विभाग के द्वारा उनकी रिपोर्ट या उनका सर्वे कब किया गया था, भौतिक सर्वे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जहाँ तक आंगनबाड़ी की बात हो, उनके पोषण आहार की बात हो, चाहे और विशेष की बात हो, तो ये प्रतिदिन इसका रिपोर्ट लेते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष, प्रतिदिन प्रदेश में रिपोर्ट जाती है जी। चलिए, राजेश मुड़ा जी, एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। महोदय जी, लगातार ये विषय क्षेत्र में भी आ रहे हैं कि आंगन रेडी टू ईट का काम वापस से स्व सहायता समूह की बहनों को या आंगनबाड़ी में दिया जाएगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसका क्या कोई विशेष तिथि तय की गई है कि इस तिथि के द्वारा, इस तिथि के बाद हम वो काम एसएचजी ग्रुप को देंगे रेडी टू ईट वाला, और उसकी प्रक्रिया क्या होगी अगर समूह, क्योंकि लाखों की संख्या में है, तो समूह जिसको हम प्राथमिकता देंगे, हमारी प्राथमिकता क्या होगी उन समूहों को लेकर के जिनको हम रेडी टू ईट का काम देने वाले हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सवाल पिछले बार भी आया था, तो मैं अपने जवाब में दी थी कि जहाँ तक रेडी टू ईट की बात हो, तो रेडी टू ईट स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देने वाला जो काम बात मैंने कही थी, तो युक्त निर्णय लिया जा रहा है इस पे।
और जो आगे की कार्रवाई होगी वो आपस में डिस्कस करके अधिकारियों के माध्यम से। मोदी जी, मैं इसमें विषय लेना चाहूंगी, ये बहुत गंभीर विषय है और लगातार क्षेत्र में विषय आता है। जब जवाब मंत्री जी का महोदय जी का आया था उसको लगभग 10 से 15 दिन होने आगे, अगर वही जवाब 15 दिन के बाद भी मिलेगा तो फिर आगे की वस्तुस्थिति क्या रहेगी, कृपया उस पर या तो डेट बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी सत्र चल रहे हैं, सत्र जैसे ही खत्म होते हैं अधिकारियों के बीच बैठक लेके इसकी आगे की प्रक्रिया चालू की जाएगी। चलिए, सत्र के बाद निर्णय लेंगे। राजेश मुंडा जी, ये की क्राइटेरिया प्रावधान क्या हो गया, बहुत प्रश्न हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्त रोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मल द्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। और भिलाई में 18 नंबर रोड पटेल डेयरी के पास कैंप 1 भिलाई, मोबाइल नंबर 8815536394। नालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर वन हैवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर, त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान शराब की ओवर रेट और अवैध बिक्री का मुद्दा भाजपा विधायक राजेश मूणत ने उठाया।
रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत ने प्लेसमेंट कंपनी पर प्रदेश को लूटने का बड़ा आरोप लगाया। इस पर विभागीय मंत्री की अनुपस्थिति में जवाब दे रहे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ओवर रेट बिक्री को लेकर प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच कराने का ऐलान किया। क्या शराब खरीदने की कोई सरकार की नीति है, यह स्पष्ट कर दे किस नीति के आधार पर सरकार पार्टियों से शराब खरीदती है जो शराब की पूर्ति करते हैं। शराब खरीदने की नीति यदि है तो बता दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार छत्तीसगढ़ में शराब नीति उसकी बनी हुई है खरीदी की, उस नीति के तहत सरकार खरीदती है। साथ ही मांग एवं बिक्री के अनुसार मदिरा दुकानों के लिए खरीदी जाती है। मैंने अध्यक्ष महोदय नीति पूछी, क्या आप टेंडर आमंत्रित करते हो, क्या आप कोटेशन आमंत्रित करते हो, क्या राष्ट्रीय स्तर पर करते हो कि प्रदेश स्तर पर करते हो, क्या वह व्यक्ति कौन सप्लाई कर सकता है, किसका टर्नओवर कितना है, यही तो मैं पूछ रहा। नीति क्या है, मेरे प्रश्न के उत्तर में ही आपने कहा, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पेपर में विज्ञापन होकर के छपा उसका टेंडर आमंत्रित हुआ, तो कितने फर्मों ने 2019 और 2020 और 2021 और 2022 में आपने बताया, ठीक, तो कुल छत्तीसगढ़ में 3 ही खाली लोग आए आज तक। यानी चिंता का विषय, देश में डिस्टिलरी कितनी है, वो खाली 3 ही लोग छत्तीसगढ़ में सप्लाई करते रहे और उसमें देसी मदिरा और विदेशी मदिरा दोनों का टेंडर कब तक आमंत्रित किया और कितनी फर्मों ने उसमें भागीदारी निभाई, जरा ये बता दे। टेंडर हैं, मैंने पहले ही बताया कि उसमें टेंडर भी करते हैं और उसमें देसी मदिरा का प्रदाय प्रदेश के केवल 3 ही हमारे यहाँ डिस्टिलरी हैं, इसलिए 3 ही टेंडर आए होंगे और ये राज्य के अंदर से ही लेना था। ये नियम है क्या कि राज्य के लोग ही उसमें टेंडर में भागीदार होंगे? जब पूरे प्रदेश के अंदर मदिरा चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, क्या ऐसा कोई नियम बनाए अपना कि राज्य की जो डिस्टिलरी है वही सप्लाई करेगी? ये स्पष्ट दे दें माननीय अध्यक्ष जी सीधा, और अगर नहीं तो मैं बता देता हूं। 2018 में की सरकार थी, आदमी की सरकार ने तय किया कि छत्तीसगढ़ के लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहा है? सब नीतियां आपकी सरकार के द्वारा बनाई गई। यार अभी आप तक तो पहुंचा ही नहीं हूं मैं, आप घबरा क्यों? मंत्री जी को उत्तर दे। मैं तो सीधा पूछ रहा हूं कि क्या जो पॉलिसी आपने कहा छत्तीसगढ़ के लोग ही डिस्टिलरी वाले उस पर पार्टिसिपेट करेंगे, एग्री, नो प्रॉब्लम। क्या आपने जिले बांट दिए थे कि फलाने फलाने जिले में, इसलिए ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि सिंडिकेट बना करके योजनाबद्ध तरीके से इस प्रदेश को दारू माफियाओं ने लूटने का काम किया है? राजेश भैया, अभी एक ध्यान दो ना, एक आप पूछना, देसी की चिंता है या विदेशी की चिंता है? लोगों ने मिल करके अगर डाका डाला है तो ऐसे लोगों को परिश्रमण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। 2013 से जांच हो जाए ना, जब शराब नीति बनी थी, जब शराब नीति बनी थी मेरी बात पर काम हुआ 2018 के बाद। मैं सीधा पूछ रहा, जब प्रकरण आया 2013 से करवाने के लिए एक तो ध्यानाकर्षण कर ले आओ, कहां बीच में प्रश्न करने दो ना। 13, 28, 2003, 2000 से करवा लो। कौन क्या प्लेसमेंट एजेंसी आज भी वर्तमान में वह काम कर रही है? एक प्रश्न सीधा, चलिए आखिरी बता दीजिए, आखिरी एक प्रश्न उत्तर दे दो मेरे को, क्या वह प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है? जी हाँ कर तो रही है। जब इतना बड़ा अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है, यही प्रश्न है कि जो व्यक्ति लगातार डाका डालते रहा, छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर नुकसान करता रहा, वो आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं, क्या प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? इतना ही प्रश्न मेरा बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही पर्याप्त कार्रवाई इस पर हुई है। सेल्समैन, उसके चीफ सेल्समैन, मल्टीपर्पज वर्कर, इसके साथ 30 से ज्यादा जो विभागीय अधिकारी हैं उनके ऊपर एसबी ने FIR दर्ज की है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस पर और अभी जांच चल रही है। इसमें जो जो दोषी होंगे
कोई नहीं बचेगा माननीय अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय मैंने सीधा प्रश्न पूछा, मैं और कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ। हो गया कार्रवाई, आपने 700 पन्ने का उत्तर दिया है, मैं कल रात से पढ़ रहा हूँ उसको, है ना। मैं पढ़ते पढ़ते मैं वो हो गया। मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, जो प्लेसमेंट एजेंसी ने सीधा प्रश्न, जिस प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकार के राजस्व पे डाका डाला, क्या उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? सीधा सीधा है, क्या उसके खिलाफ में FIR दर्ज करेंगे? स्पेशल है ये सर, वो भ्रष्टाचार किसने किया, मैं उस पर नहीं जा रहा। कोई इरादा है प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का? सीधा सीधा एक लाइन, बैठ जाइए आप। उसमें उसकी अनियमितताओं को लेकर के जांच करेंगे क्या? इतना तो प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चातुर्यगण का अगला प्रश्न पूछ लिया, उसके बाद ही बोले जा रहे हैं। अरे काय को चिंता कर रहे हो यार आप? अरे नहीं उसमें, अरे प्रश्न काल खत्म। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे मुद्दे भी है। अरे अध्यक्ष महोदय, आगे बैठिए, आगे बैठिए, आगे बैठिए, बैठिए, इनका नाम आ गया, बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी के पक्ष में बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्यचकित है। बैठिए, एक लाइन तो 15 मिनट से ऊपर हो गया एक प्रश्न को। सर एक मिनट का उत्तर है, इस प्रदेश में पूरे देश में चर्चित घोटाला, दारू घोटाला, जो मंत्री जवाब दे रही है, मंत्री से कुछ बुलवाया नहीं जा सकता, जो बोल रहे हैं वही अंतिम उत्तर होता है क्या? बस बोला राम जी। तो मंत्री जी मान रहे हैं हम लोग, यही आपका अंतिम उत्तर है? आप मंत्री क्यों बता रहे हैं? क्या जांच नहीं होगी? बोला राम जी, प्लेसमेंट एजेंसी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएंगे? बहुत हो गया, क्या क्या नहीं होगा, क्या ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा? जिले में क्या ब्लैकलिस्ट से काम करना चाहिए? इन जांच धर्म जी बैठिए, 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 आप लोग बैठिए, सब बैठ जाइए। खा जाते माननीय सदस्यों को, इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो दुर्ग पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान देर रात तक खुले बार पर पहुंचे तो नशे में धुत युवकों ने पुलिस को ही दबंगई दिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 1 बजे स्टेशन रोड स्थित एक बार का संचालन देर रात तक होना पाया गया, जिसको लेकर पुलिस द्वारा समझाइश के लिए वहां जब पहुंची तो वहां मौजूद कुछ नशे में धुत युवकों ने पुलिस पर ही दबंगई दिखाना शुरू कर दिया। तो फिर क्या था, इतना करना ही उन युवकों को काफी महंगा पड़ गया। दरअसल नवपदस्थ CSP अनुराग जैन अपनी टीम के साथ बीती रात स्टेशन रोड दुर्ग के आसपास इलाके की गश्त में थे, तभी कुछ नशे में धुत उपद्रवी युवकों ने पुलिस टीम पर ही अटैक कर दिया। फिर क्या था, सभी सिपाहियों ने युवकों को समझाइश दी और कुछ को मोहन नगर थाने ले जाया गया। मामला 1 बजे रात के आसपास का बताया जा रहा है। पकड़े गए युवकों में से एक का नाम संदीप उपाध्याय जयंती नगर निवासी बताया गया है। इस संबंध में नवपदस्थ CSP अनुराग जैन ने इस तरह की जानकारी मीडिया के समक्ष दी है। कल रात्रि गश्त में रेलवे स्टेशन के पास कुछ युवक मिले जो शराब के नशे में थे, और देखा जा रहा था कि बार कुछ वहाँ बार भी समय खत्म होने के बावजूद बारों का संचालन किया जा रहा था, तो हमने उसको देखते हुए कार्रवाई की। उसी दौरान एक व्यक्ति एक पुलिस की गाड़ी पे आके जोर से हाथ मारा एक व्यक्ति ने, और उससे जिससे यह प्रतीत हुआ कि वह पुलिस पर अटैक करना चाहता था, तो उसके खिलाफ हमने दंडात्मक कार्रवाई कानून के हिसाब से की, साथ ही साथ कुछ लोगों पे हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। ये सारा मामला रेलवे स्टेशन के पास मोहन नगर थाने के एरिया का है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से
गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश, स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्री योग वेदांत सेवा समिति भिलाई दुर्ग व नंदनी अहिवारा के तत्वावधान में महिला उत्थान मंडल भिलाई दुर्ग नंदनी की बहनों द्वारा 8 मार्च विश्व महिला दिवस के निमित्त 26 फरवरी दिन सोमवार को संत संस्कृति रक्षा यात्रा हिंदी भवन दुर्ग से जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस तक निकाली गई और कलेक्टर मैडम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। आज संस्कृति रक्षक संत आसाराम जी बापू को उचित उपचार दिया जाए व उनकी रिहाई की जाए, इसकी मांग करते हुए यह यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज व देश में सत्संग के माध्यम से कल्याण करने वाले संत को उचित इलाज मिलना चाहिए। जब सभी लोगों को बेल दी जा रही है तो बापू के लिए असमानता का व्यवहार क्यों? लोगों को यात्रा के दौरान ऋषि प्रसाद पत्रिका बांटी गई। इसके माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के 87 वर्ष के वृद्ध संत श्री आसाराम जी बापू को जेल प्रशासन की ओर से उचित उपचार के लिए बेल नहीं दिया जा रहा है। वे आयुर्वेदिक उपचार लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। आज देश में समानता का कानून होना चाहिए, जो नहीं है। सभी जेल के अंदर लोगों को उनके हिसाब से बीमारी को देखते हुए उचित उपचार दिया जा रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बापू को तुरंत रिहा करो, वृद्ध अवस्था व स्वास्थ्य को देखते हुए उचित जांच कर रिहा करें, लेकिन क्यों बापू के साथ असमानता का व्यवहार कर रहे हैं? किसके कहने पर बापू को सरकार बेल नहीं दे रही है? बिना ठोस सबूत के जेल के अंदर 11 वर्षों से रखे हुए हैं। कोरोना काल में शासन के प्रोटोकॉल में देश भर के जेलों से वृद्ध लोगों को रिहा किया गया है, लेकिन संत श्री आसाराम जी बापू को कोरोना होने के बाद भी एक भी दिन के लिए छोड़ा नहीं गया। एक संत जो 50 वर्षों से समाज उत्थान के लिए लगे हुए हैं, जो लोगों को सत्संग के माध्यम से नई दिशा दिखा रहे हैं, शांति अमर और चैन से जीने का मार्ग दिखा रहे हैं, उन्हें रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? इन्हीं सब मुद्दों के साथ 26 फरवरी को दुर्ग जिला कलेक्टर महोदया को प्रधानमंत्री कानून मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। हमारी मांगे हैं कि हमारे परम पूज्य संत श्री
गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू को जो है वो शीघ्र अति शीघ्र न्याय मिले, क्योंकि इस देश में बड़े बड़े दिग्गजों नेताओं राजनीतिज्ञों को भी न्याय मिलता है, उनके पक्ष में दलीलें पेश की जाती है, मीडिया में उनके लिए उनके साक्ष्य प्रमाणित किए जाते हैं, मगर हमें आज तक भी कोई ऐसा आश्रम की तरफ से ना तो किसी को मीडिया में बुलाकर उन्हें बुलवाया गया कि हमारे आश्रमों में क्या होता है, बापू जी के सत्संगों से उन्होंने क्या सीखा है। तो ऐसा पक्षपाती न्याय आखिर बापू जी के लिए क्यों? हमारी मांग यही है कि हमारे पूज्य बापू जी को जो है वो निष्पक्ष न्याय मिले और उनके साथ जो है वो ऐसा दोगला व्यवहार बंद किया जाए। कहाँ से निकाले थे रैली? ये रैली जो है वो हिंदी भवन से निकली थी और कलेक्टर परिसर में जो कलेक्टर को ज्ञापन देकर हमने ये खत्म किया। हमने कलेक्टर साहब से ये अनुरोध किया कि हमारे बापू जी जो हैं अभी फिलहाल जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है और इनसे इसके पहले भी उन्हें एक लंबे समय से संत श्री आसाराम जी बापू के अनुयायी बापू की रिहाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, परंतु इनका संघर्ष नाकाफी साबित हो रहा है। देखना होगा इस बार इस यात्रा से शासन प्रशासन पर कितना फर्क पड़ता है और संत श्री आसाराम जी बापू कब तक रिहा हो पाते हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के आकाश मजुमदार उर्फ सोना और लेखराम यादव जो गौ सेवक है और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर निःशुल्क गौ सेवा समिति का संचालन करते रहे हैं। ये दोनों ही 1 मार्च को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अनुमति से मिशन गौ माता को लेकर पदयात्रा करते हुए राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है और मुख्य विषय ये है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इस देश में प्रथम बार इस विषय को लेकर कोई इतना बड़ा कार्य कर रहा है। इस कार्य के लिए इन दोनों युवाओं को भारी समर्थन भी मिल रहा है। इस कार्य के लिए ह्यूमन राइट्स YDC के अध्यक्ष अपनी टीम के साथ दोनों युवाओं को शुभकामना देने पहुंचे, तभी हमने भी इस मिशन के बारे में चर्चा की। आइए देखते हैं इन दोनों युवाओं का ये मिशन किस तरह का है और इसे यह कैसे पूरा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। ये मुलाकात कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं है, यह मुलाकात कुछ अलग हट करके है, क्योंकि आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी बोलना चाहिए है तो ये एक आम इंसान जैसा ये खुद कहते हैं, लेकिन हमारे लिए सेलिब्रिटी है। इस एक मुलाकात कार्यक्रम में आपको एक ऐसे विषय पर हम लेके चल रहे हैं जो विषय आज पूरे देश का एकमात्र प्रथम विषय बन के रह गया है और इसको लेकर के काफी विवाद भी देखे जाते हैं, काफी अच्छे कार्य भी देखे जाते हैं। जो सेलिब्रिटी हमारे साथ है इनका परिचय हम नहीं करवाएंगे, ये अपना परिचय स्वयं देंगे। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि क्या है खास। आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। एशियन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय निकालकर हमारे इस मिशन में, हमारे इस कार्य में अपना समय दिया और जनता तक पहुंचाने में आप मदद कर रहे हैं लगातार एशियन न्यूज। वैसे तो मुझे लोग गौ सेवक के नाम से कहते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया है, आशीर्वाद है बड़ों का। आकाश मजुमदार नाम से, मेरा नाम आकाश मजुमदार है, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे साथी लेखराम यादव है। विगत 10 वर्षों से हम लोग गौ सेवा कर रहे हैं और जितनी सारी परेशानियां गौ सेवा में देखने आ रही है पूरे भारतवर्ष में, गौ सेवा के साथ साथ गौ माता के संरक्षण के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए जो भी परेशानियां हम देख रहे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं विगत 10 वर्षों से। एक अभियान आपने छेड़ा है मिशन गौ माता जी, और उसका स्लोगन आपने रखा है कि मिशन अभिमन्यु भेदेंगे चक्रव्यूह। हाँ, उसका एक तात्पर्य है, अभिमन्यु चक्रव्यूह तक पहुंच चुके थे, चक्रव्यूह तक पहुंच चुके थे, भेद नहीं पाए थे। तो हमारा ये मिशन है, हमने हमारे देश में पहली बार हुआ है, हमने राष्ट्रपति के पोर्टल के माध्यम से लगभग 1.5 माह लगा हमें इस पूरे कार्य को करने में, जिसे राष्ट्रपति महोदय जी ने हमें परमिशन ग्रांटेड किया। हमने उनसे परमिशन मांगा कि गौ माता के संरक्षण है तो हम दुर्ग से दिल्ली पदयात्रा करना चाहते हैं। पोर्टल के माध्यम से उन्होंने हमें
अनुमति प्राप्त किया और संपूर्ण भारतवर्ष में ये पहली यात्रा होगी गौ माता के प्रति। इसके पहले बहुत से संत महात्माओं ने किया है, परंतु वो परमिशन ग्रांटेड यात्रा नहीं थी, सनातन के भाव से थी, जागरूकता के भाव से थी। तो ये सबसे पहली बात तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि गौ सेवक होने के नाते, निस्वार्थ गौ सेवक होने के नाते। और इस मिशन के एक ही तात्पर्य और एक ही माध्यम है हमारे सनातन में, क्योंकि मैं एक सनातनी हूं, गौ माता को हम माँ का रूप स्वरूप मानते हैं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, ये हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, जिसको हम महसूस भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। उसके बाद भी इतनी समस्या में और इतनी परेशानी में गौ माता क्यों है? हमने बहुत सारे चीजों को देखा, टैली किया, पढ़ा इस 10 वर्ष में। आज अब देखिएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो गौ माता और गौ वंश का जो नस्ल है, और इसकी तुलना दूसरे राज्यों से करिए, आपको यहाँ का नस्ल कुपोषित लगेगा। आप MP चले जाइए, UP चले जाइए, बिहार चले जाइए, तो उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं लोग इस बीड़ा से पीछे हट रहे हैं। जब तक गौ माता दूध दे रही है, तब तक उसका पालन पोषण हो रहा है, उससे चारा पानी खिलाया, जैसी एक सीमा रहता है, उम्र सीमा रहता है गौ वंश का, अगर वो दूध देना बंद कर दे रही, उसे रोड में छोड़ दिया जा रहा है, वही गौ माता कत्ल खाने कटने जा रही है। आकाश भाई, आपने एक चीज बड़ी अच्छी कही कि कुपोषित नजर आता है गौवंश जी छत्तीसगढ़ में जी, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य भी है जहां गौ माता को लेकर के काफी हद तक राजनीतिक दृश्य भी देखने को मिलते हैं जी, और दीगर पार्टियां जो है वो गौ माता को कभी अपना बताती हैं, कभी कोई अपना बताता है जी, जी। और सब हिंदुवादी संगठन है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो सब हिंदुवादी संगठन जो है वो गौ माता को अपना बताते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जितने भी हिंदुवादी लोग हैं क्या गौवंश का पालन करते हैं? क्योंकि गौवंश के पालन के लिए एक कौम है जिसे यादव कहा जाता है जी, है ना, तो इसके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम अधिकार तो यादव यदुवंशियों का है, श्री कृष्ण के वंश के है वो, मगर आज वो पीछे हट रहे हैं गौ सेवा कार्य में, महज व्यापारिक दृष्टिकरण को देखते हुए। इसलिए हम जो आज दूध भी पी रहे हैं ना, खरीद के घर शहर में अपने घरों में जो दूध भी आ रहा है, वो भी दूध का भी अपमान हो रहा है। आज गाय के दूध से ज्यादा टेट्रा का दूध उपयोग हो रहा है, एक छोटा सा बच्चा भी टेट्रा का दूध पी रहा है, एक बुजुर्ग भी पी रहा है, एक मरीज भी पी रहा है, इससे हमारी नस्ल खराब हो रही है। और उसका कारण है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कुपोषित क्यों नजर आ रही है? उसका कारण है वीर संग्रहालय, उसको बढ़ावा दे रही है वर्तमान सरकार, केंद्र चाहे वो, मैं चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो गौ वंश के साथ जो मैं देख रहा हूं, जो अब वीर संग्रहालय से ये हो रहा है, जो प्राकृतिक तरीके से गौ वंश का उत्पन्न हो रहा था वो बंद हो गया है। अब समझिएगा बात को, जैसे हम मनुष्यों में सेलोलेट बेबी और माता पिता से जन्म लिया बेबी में कितना फर्क रहता है, ये मैं साइंस की बात कर रहा हूं। आकाश भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मुद्दे से हट रहे हैं जी, तो थोड़ा सा मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। ये तो आपने बहुत सही कहा है कि वंश का फर्क पड़ रहा है जी। आपने एक मिशन दिया है जी, राष्ट्रपति जी से आपको परमिशन अनुमति मिल गई है जी। ये जो आप मिशन पे जा रहे हैं जी, कैसे आपको लगा कि ये मिशन करना चाहिए, संक्षेप में बताइए। देखिए, बहुत वर्षों से इसमें जुड़ा हुआ था, इसके पहले भी मैंने महामहिम राज्यपाल जी से भी अनुमति लेके दुर्ग से रायपुर पद यात्रा किया। उसमें ये हुआ कि उसकी जब रिपोर्ट वापस आई, बोले कि ये पॉलिसी मैटर है, संसद का विषय है, संविधान का है, आपने जो ज्ञापन दिया उसे हम फॉरवर्ड कर दिए। इस बात को हो गया 8-10 साल। देखो, एक जो गौ सेवक होता है,
उसके अंदर के गौ सेवा का भाव अगर जग गया तो जीवन भर मरते दम तक रहेगा, वो एक अलग मुद्दा है। इस 10 वर्षों में हमने देखा कि कोई एक ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। लोग दुनिया भर की चीजों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, दुनिया भर की मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सारी पार्टियां भी वही कर रही है और उसी मुद्दों को बना के सरकार में आ रही है और चले भी जा रही है, लेकिन गौ माता को जो गौ माता बोल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे सनातन में अपमान हो रहा है। मैंने उसको फील किया। हमारी जो टीम है मैं उनसे हमेशा डिस्कस करता था कि इसमें क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो हमें तो राष्ट्रपति जो पोर्टल का जो माध्यम है एक्चुअल में हमें भी नहीं पता था। और जब इसमें हम लोग विजिट किए, एक बड़े भैया है मेरे शासकीय अधिकारी, उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, उनका बहुत मदद रहा मेरे साथ, तो वो लगभग 1.5 माह उनको लगा रिसर्च करने में। ये तो आप जानते ना, पर्टिकुलर एक आम आदमी को राष्ट्रपति बोलोगे तो आदमी अरे वहां तक कैसे पहुंचूंगा, वो पहले वकील के पास दौड़ेगा अगर एक आवेदन या कंप्लेन करना है तो। जिस दिन हमने पोर्टल में विजिट किया 88,000 व्यूवर्स थे उसमें, 2 दिन के अंदर 1,30,000 हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये मदद हमारे द्वारा तो मिल गया कि आपको अगर कोई शिकायत है कंप्लेन है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तो राष्ट्रपति अपने आप में एक न्यायालय है। मिशन की बात कर रहा जी, प्रेरणा तो आपने बताई कि आपकी जो समिति है, आपकी जो टीम है उस टीम से और आज के जो वर्तमान के हालात हैं, इन हालातों को देखते हुए आप प्रेरित हुए और आज एक मिशन पे जा रहे हैं। मिशन पे जा रहे हैं। पदयात्रा है आपकी, संपूर्ण पदयात्रा दुर्ग से दिल्ली लगभग 1300 से 1400 किलोमीटर की पदयात्रा है, जिसमें हम 2 पदयात्री आकाश मजुमदार और लेखराम यादव, हमारे मैंने अपने निजी वाहन को गौरथ बनाया है, जो मेरे साथ सेवा भाव से 2 मेरे भाई है जो बोले हम गाड़ी चला लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है, एक व्यक्ति का चलाना संभव नहीं है। एक भाई बोला कि मैं बॉडी को गार्ड करने का काम करूंगा, एक बड़े भाई है रायपुर के बोले कि मैं अपना पर्सनल गनमैन दे दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा है, जंगल पड़ेगा, बिहड़ पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे रेड जोन मिलेंगे जहाँ कत्लखाने होंगे, देश की स्थिति परिस्थिति तो देख ही रहे हम। तो मेरे को प्रेरणा मिला इससे और हमने डिसीजन लिया और हमको परमिशन भी मिल गया और इस संपूर्ण पद यात्रा रहेगी। हमारे साथ जो गौ रथ में रहेंगे उनको छोड़ के लेखराम और आकाश उस गौ रथ में नहीं चढ़ेंगे जब तक राष्ट्रपति महोदय जी को हम अपना ज्ञापन नहीं देंगे, और ये पूर्ण रूप से सनातनी यात्रा रहेगा। अदरक लहसुन प्याज का भी हम सेवन नहीं करेंगे, ना किसी प्रकार का हाई प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डाइट हम लेंगे और उसी में हम चलेंगे। ये तो हुई आपकी यात्रा की बात जी। दिल्ली जाना है जी, राष्ट्रपति जी से मिलना जी, जो ज्ञापन आप सौंपने वाले हैं उस ज्ञापन की हम बात कर ले जी, संक्षेप में बताएंगे कि उस ज्ञापन में क्या है। जितनी सारी समस्या है हमने रीड किया 10 वर्षों में, हमें लगता है कि हर विधानसभा में एक गौ एम्बुलेंस हो, कम से कम हर विधानसभा स्तर में एक डॉक्टर हो, गौ चिकित्सक हो, मतलब चिकित्सक हो, जो पशु चिकित्सक हो, जो जिले में एक रहता है, आप कभी जाइए अस्पताल ताला बंद मिलेगा आपको। इसलिए आज प्राइवेट लोगों को लाइसेंस ना होकर भी उनको सेवा करना पड़ रहा है, अगर कभी वीडियो डाल देता है तो वो कानून के खिलाफ हो जा रहा है, तो ऐसे में गौ सेवक करेगा क्या। दूसरी चीज अधिनियम क्यों नहीं बना रहे हो आप गौ माता के लिए। आपने मोर के लिए बनाया, शेर के लिए बनाया, इसके लिए भी बना दो, गौ माता के लिए बना दो। आप देख लीजिएगा जिस दिन अधिनियम आ जाएगा, राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी, या एक अधिनियम आ जाएगा कि इसे जो बेच रहा है उसके ऊपर ये अधिनियम लागू कर दिया जाए और जो खरीद रहा है उसके ऊपर भी लागू कर दिया जाए, ना रोड में दिखेगी ना बिक पाएगी। और राष्ट्रमाता अगर घोषित हो गई तो मैं मानता हूँ इस देश में जितने मंदिर है हमारे देवी देवताओं के, उससे ज्यादा गौ माता के हो जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे, जैसे आप महादेव के लिए भी हुए हैं लोग जागरूक विगत 3 वर्षों से। दोस्तों आकाश मजुमदार जी का साफ कहना है कि जो मांगे हैं उसका उसमें मुख्य जो मांग है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना इनकी प्राथमिकता है। गौ माता को राष्ट्र माता आपको घोषित करवाना है जी। इसके अलावा अगर बात करें तो ये तो हो गया मिशन की बात और ये यात्रा कब से कब तक चलेगी उसकी जानकारी बताएं। आगामी 1 मार्च
शुक्रवार को सुबह 11 बजे दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर निशुल्क समिति से शुरू होगी यात्रा, और इसमें विभिन्न संगठन, गैर संगठन के लोग, सामाजिक लोग, हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। कोई गुप्त रूप से समर्थन दे रहा है, कोई अपना सजेशन दे रहा है, कोई खड़े होकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के भी समर्थन दे रहा है। जैसे ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो है, हमारा कंधे से कंधा मिला के मार्गदर्शन भी कर रहा है, समर्थन भी दे रहा है, क्योंकि सीनियर लोग हैं। और अगर एक सीनियर ग्रुप का आपको सजेशन मिलता है तो काम निखर के आता है, आपको एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी आता है। ऐसे बहुत सारे संगठन है, भारतीय युवानी है छत्तीसगढ़, तमाम लोग हैं, और कई लोग खुल के नहीं दे पा रहे हैं पार्टी मैटर के कारण। तो मैंने इसमें निर्णय लिया है, 28 तारीख को मैंने निर्णय लिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा, जो प्रक्रिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उस दिन मैं सबसे पहले औपचारिक और लिखित में, मैं वर्तमान में प्रदेश का सचिव हूँ निर्वाचित यूथ कांग्रेस का। आपको विगत ज्ञात होगा कि विगत समय में जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे पहले इस्तीफा दूंगा, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यात्रा किसी पार्टी का हो। मैं प्योरली इस यात्रा को गौ माता के लिए करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे अगर पद का त्याग करना पड़ रहा है, पार्टी का, मेरा 18 साल का करियर, ये सब मेरे को कोई मायने नहीं रखता। ये तो बात हुई पार्टी लेवल की, पार्टी को छोड़ देना चाहिए ऐसी यात्राओं में। जाहिर सी बात है, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए ऐसी यात्राओं का। एक मार्च को आपकी यात्रा प्रारंभ हो रही है, शहरवासियों से, जिलेवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपकी यात्रा जब शुरू हो जी। तो एक कहते हैं ना कि जब कोई घर से जाता है या कहीं भी जाता है, उसे छोड़ने दो, चार लोग जाते जरूर है, उनसे उनका हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। शहरवासियों से क्या अपील करेंगे एक मार्च के लिए? अभी जो एक मार्च से पहले था, एक महीने से हम यही मुहिम चला रहे हैं। हम आमंत्रण के तौर पे, पॉम्पलेट के तौर पे, बैग के तौर पे, हम लगातार एक माह से संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता को और देश के 5 राज्यों का ये यात्रा होगा, जिसे हम पार करके दिल्ली पहुंचेंगे। हम इस तरीके से देश को, पूरे प्रदेश को ये आमंत्रण दे रहे हैं कि अब 1 तारीख को सम्मिलित हो गौ माता के प्रति, अब 2 कदम गौ माता के प्रति चले। हम ये नहीं करेंगे 1400 किलोमीटर, क्योंकि संभव नहीं है। हम इस तरह से पॉम्पलेट और ये बैग, ध्वनि के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से लगातार हम बने हुए हैं जनता के बीच में। बहुत अच्छा रुझान, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, प्रोफेसर्स, सभी का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। चलिए, ये तो हुई बातें इसकी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे पूछना चाहूंगा जी, कि जो आपकी सोच है मिशन गौ माता जी, क्या लगता है देश दुनिया कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, हमें परमिशन भी उसी चीज की मिली है, संरक्षण है तो हमारा पूरा दायित्व होता है कि जब हम इस 5 राज्यों की यात्रा को करेंगे, लोगों को जागरूक करना। अगर लोग जागरूक हो गए तो इतने सारे गौ सेवक उत्पन्न हो जाएंगे देश भर में, कि ये जो परेशानियां जो देखने को मिल रही है कि कत्ल खाना जा रही है, तस्करी हो रहा है, गौ सेवक गाड़ी में रौन दिए जा रहे हैं, उनका हत्या हो जा रहा है, पूरे गौ सेवक को हौसला मिलेगा। ये हमारी बहुत बड़ी जीत का एक पहला कदम होगा। दर्शकों, आप देख रहे हैं आकाश मजुमदार जिस अभियान को लेकर चल रहे हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि गौ सेवा, गौ रक्षा और गौ माता को लेकर के बहुत सारे विवादास्पद स्थितियां भी बनती रहती हैं। तो आकाश मजुमदार ने एक पहल की है, एक कहा जाए कि बहुत अच्छी पहल है ये, कि गौ माता को लेकर के इस तरह की यात्रा करते हुए सिर्फ अपने जिले, अपने शहर, अपने प्रदेश ही नहीं, बल्कि अन्य प्रदेशों को भी, जिन जिन प्रदेश से ये गुजरेंगे उन सभी को यह गौ माता की रक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए जागरूक करते जाएंगे। इसी न्यूज भी अपने जिलेवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करता है कि आकाश मजुमदार जिस यात्रा पे निकल रहे हैं, जिस मिशन पे निकल रहे हैं, आप सभी इनका हौसला बढ़ाएं और 1 मार्च को अपने घर के लाडले को एक मिशन पर जाने के लिए विदाई देने जरूर आए।
आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जो मिशन चुना है उसके लिए आपने समय दिया और आपने बताया। हम भी कामना करेंगे कि आपका यह मिशन सफल हो। मैं सर्वप्रथम एशियन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं तमाम जनता के बीच में आया और मेरे संदेश जन जन तक पहुंचेगा। और सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि गौ माता को विलुप्त होने से आप बचाइए। मेरे इस अभियान में अपना 2 कदम देके गौ माता के संरक्षण हेतु अपनी सहभागिता निभाइए। धन्यवाद दोस्तों। आकाश मजुमदार की बात आपने सुनी, उनके मिशन के बारे में सुना, हमने भी आपसे अपील की है। ऐसे ही और भी बहुत सारे शख्सियत हैं जो छुपे हुए हैं, जो कभी सामने नहीं आ पाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे जनहित के कार्य, ऐसे गौवंश की रक्षा में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, हम आपको उनसे जरूर मिलवाएं। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।